सांझ टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डेराबसी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से बातचीत के दौरान मीडिया से भी बातचीत की। पंजाब सरकार द्वारा एडमिशन से पहले स्टूडेंट का डॉप टेस्ट कराने के फैसले के बारे में बोलते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पहले ये लोग अपना डॉप टेस्ट करवाएं। कांग्रेस के चुनावी मुद्दों के बारे में बोलते हुए कैप्टन ने कहा कि नशा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सड़कों की बुरी हालत हमारे प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे। नशे के मुद्दे पर केजरीवाल के पंजाब दौरे के बारे में बोलते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पहले वे दिल्ली के नशे, पानी और बिजली के मसले हल करें, फिर पंजाब की बात करें। दिल्ली में लोग पानी की कमी के कारण एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं और बिजली के लंबे लंबे बिल उनके आ रहे हैं। पहला लेट स्टार्ट ऑफ विद पंजाब सरकार, उन्होंने डोप टेस्ट लो पहला, फिर आप बच्चों ने कैप्टन साहब केदा केदा होना चाहिए डोप टेस्ट सारे थ्री देयर ऑल, इट्स द माइनिंग इशू, द ड्रग इशू, द वाटर इशू, ट्रांसपोर्ट इशू, सड़कों का इशू। आज तुम पिक्चर देखिया ने, एक ट्रक जा रहे हैं टोए के पिछे गिरे हुए, दिस ऑल पंजाब पंजाब रोड, इतने का बिल्कुल कोई, देर इज नो पबलिक अंडरटेकिंग फॉर द पीपल जी पंजाब सरकार कर रही है। जैसे टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं हूँ घूम के आया कहीं जगना हो, एक कोई अद्धा किलोमीटर की सड़क ही उठ गई, दस दो सड़क। मोहाली के वाईपीएस चौक पर पनबस के कर्मचारियों ने धरना दिया। पूरे पंजाब से करीब 3,000 कर्मचारी मोहाली में अपनी मांग लेकर पहुंचे। पंजाब पनबस वर्कर यूनियन के अध्यक्ष रेशम सिंह ने बताया कि सरकार ने पनबस को अपने अधीन तो कर लिया, लेकिन अभी भी कर्मचारी के पे स्केल रिवाइज नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि रोडवेज के कर्मचारी को जितनी सैलरी मिलती है उतनी उन्हें भी मिलनी चाहिए। 2007 से पनबस पंजाब सरकार के अधीन काम कर रहा है, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर की पे रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टरों से काफ़ी कम है। रेशम सिंह ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर पंजाब ट्रांसपोर्ट मंत्री से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से भी मिले, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। आपको बता दें कि पनबस वर्कर यूनियन के कर्मचारी पहले भी जलंधर में प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी ना होने के चलते उन्होंने आज मोहाली में भी धरना दिया। पनबस के कर्मचारी काफ़ी देर धूप में धरने पर बैठे रहे और सरकार के नुमाइंदे के आने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब 2 घंटे तक कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं आया तो उन्होंने चंडीगढ़ की ओर रवाना होने की कोशिश की, लेकिन पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस ने मिलकर वाटर कैनन, आंसू के गोले का इस्तेमाल कर और लाठीचार्ज कर उन्हें रोक लिया। पुलिस के इस कदम से पनबस के कई कर्मचारियों को गंभीर चोटें तक आई। ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਛੱਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੀ। ਪੰਨ ਬੱਸ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਹਿਬ 900 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਧੱਕੇ 3500 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ 3500 ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਆਈਆਂ? 20-25 ਜਣੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਲੇ ਚਲਾਏ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚਲਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 10-15 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। पंचकुला सेक्टर 16 के घर में घुसकर तेजधार हथियार से बुजुर्ग की हत्या करने का एक मामला सामने आया है। महिला के बेटे ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस को रात करीब 9:45 बजे सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी सहित दर्जन पुलिस अधिकारी पहुंच गए। 75 वर्षीय कृष्णा अरोड़ा सेक्टर 16 के मकान नंबर 712 में रहती थी। ग्राउंड फ्लोर पर वह अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश अरोड़ा के पास रहती थी। फर्स्ट फ्लोर किराए पर दिया हुआ था। महिला के छोटे बेटे राकेश अरोड़ा चंडीगढ़ में रहते हैं। राकेश ने बताया कि करीब 9:30 बजे उनके भाई ओम प्रकाश ने फ़ोन पर बताया कि जब वो घर में घुसा तो सामने बेड पर मां की लाश पड़ी थी। शव के दाहिने गाल पर धारदार हथियार से घाव किया हुआ था। राकेश ने पंचकुला पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने बताया कि एक महिला की हत्या का मामला सामने आया और पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँचकर छानबीन शुरू कर चुकी है। एक्चुअली मैं तो चंडीगढ़ में था, मैं चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। मेरे बड़े भाई सब माताजी के साथ रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। तो जब वो शॉप से आए तो उन्होंने देखा भी माताजी नीचे गिरे हुए थे और उनके मुंह से ब्लड चल रहा था। तो उन्होंने आते ही मुझे सबसे पहले लैंडलाइन पर फ़ोन किया भी ऐसे ऐसे बात होगी। तो जैसे मैंने उनको कहा भी आपने किसी चीज़ को आग नहीं लगाना, मैं विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट में कोठी पर पहुँच जाता हूँ।
जब मैंने इन द मीन टाइम मेरे बदलना डॉक्टर अश्विनी नैयर उनको भी फोन कर दिया मैंने, वो भी मेरे साथ साथ ही यहाँ पहुंच गए। उन्होंने आके देखा तो माता जी को उन्होंने कहा भी 4-5 घंटे तक उनका मर्डर हो चुका। भाजपा पार्षद सत्येंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता कर मनीवांछा में ऊपर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटी में मकान अलाटमेंट में एक बहुत बड़े घपले का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कई बड़े आईएएस अधिकारियों समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल पर इसमें सम्मिलित होने का आरोप भी लगाया है और सीबीआई और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस घपले की निष्पक्ष जाँच करवाने की बात भी कही है। भाजपा पार्षद सत्येंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि मनीमांछा की उपल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटी का खपला चंडीगढ़ में अब तक सबसे बड़े हाउसिंग सोसाइटी का खपला है, जिसमें उस समय के कई बड़े पंजाब और हरियाणा के आईएएस और आईपीएस अधिकारी तक शामिल हैं, जिसमें सत्येंद्र सिंह ने पूर्व एडवाइजर प्रदीप मेहरा, हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अंकुर गुप्ता, शरद कुमार, पीके शर्मा, गुरमीत कौर, एसएस चौधरी सहित कुल 9 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि उस समय अधिकारियों ने सोसाइटी में मकान अलॉटमेंट के लिए कोई नियम नहीं बनाए थे, जिसका मुख्य कारण अधिकारियों को लाभ पहुंचाना था। इसी कारण इनमें कई आईएएस अधिकारियों को सोसाइटी के 2-2 घर तक अलॉटमेंट कर दिए गए। भाजपा पार्षद सत्येंद्र सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल पर भी इस खपले में सम्मिलित होने के आरोप लगाए और कहा कि जमीन पर जहां अब सोसाइटी बनी है नगर निगम के कर्मचारियों के लिए मकान बनाए जाने थे, लेकिन पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल ने कांग्रेस पार्षद सुरेंद्र सिंह, बलराज सिंह और सुभाष चावला की मदद से हाउस में एक प्रस्ताव पास करवाया, जिसके बाद ये जमीन प्राइवेट बिल्डर को दे दी गई। उन्होंने इस पूरे खपले की सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की है। ये जो मुद्दा है, ये 2001 में हाउस में रेजोल्यूशन आया था, उसमें मूव कर दिया था भी हमने ये सरकारी जो जगह है, ये कॉरपोरेशन की जगह, ये हमने मुलाजमों को देनी है, कॉरपोरेशन के अपने मुलाजम। हुआ क्या, अगला साल के बाद एक दोबारा इसे एजेंडे में लाया गया और उसमें कहा गया भी इसको हम प्राइवेट बिल्डर को भेज देते हैं। जो उस समय जो हुआ, उसमें अपने कांग्रेस के उस समय के जो एमपी थे और हमारे 3-4 काउंसलरों ने पूरी उस समय उस एजेंडे को सपोर्ट की। उसके बाद ये ना तो कोई रूल्स बनाए गए, ना रेगुलेशंस बनाई गई। 108 करोड़ में बेचने के बाद जगह को, वो जिस तरह से अफसरों को मैंने बताया, 9-8 अफसरों को मकान मिले, फिर एक एक बंदे को 2-2 मकान मिले, ना कोई रूल्स बनाए गए, ना रेगुलेशंस बनाई गई। और चंडीगढ़ जैसे शहर में पहली तरह का ये एक स्कैम हुआ, हाउसिंग स्कैम, जिसमें बिग फिशेज इन्वॉल्व है और उन्होंने सारी बंदर बांट की है। इतने साल क्यों लग गए इसको बाहर आते? सर 2010 में लाट हुआ है, ये आज की डेट में भी ये भी तब निकला है जब मैंने बीइंग ए काउंसलर मैंने हाउस में क्वेश्चन पूछा। उस क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ चीज़ें आई। ये मामला ऐसा नहीं, ये आज पहली बार ही उठा है, मेरे से पहले भी कई काउंसलर उठा चुके हैं, परंतु वो जो जितनी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जितना कुछ चाहिए, वो शायद कई बार इकट्ठा करने में समय लग जाता है। मेरे को भी 3-4 महीने हो गए हैं इस डॉक्यूमेंट को इकट्ठे करते हुए, और आपको हैरानी होगी, जो मेरे को भी लिस्ट मिली है कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो आपके पास भी आएगी, सिर्फ उसमें नेम से दिया अलॉटमेंट की। जब मैंने पूछा कि आपके पास सीबीआई की रिपोर्ट है, तो उन्होंने कॉर्पोरेशन ने डिनाई कर दिया भी हमारे पास तो सीबीआई की कॉपी तक भी नहीं है रिपोर्ट की। फिर इन्होंने हमें जो लिस्ट भी दी है उसमें सिर्फ नाम्स दिए हैं, एड्रेसेस तक नहीं दिए हैं। तो इस तरह की जहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े जहाँ पे अफसर इन्वॉल्व हों, वो चीज़ें छुपाने की कोशिश की जाती है पब्लिक डोमेन में ना आए, और आज पब्लिक डोमेन में आया तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा। रविवार सुबह तकरीबन 10:30 मोहाली के 3B2 के कटानी स्वीट्स में अचानक आग लग गई। आग कटानी स्वीट्स की ऊपरी मंजिल पर लगी, जहां आग लगी वहां कटानी स्वीट का किचन था और गैस सिलेंडर भी वहीं पर रखे हुए थे। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड वालों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया और गैस सिलेंडर तक पहुँचने से पहले ही उनको वहाँ से हटा दिया। आग बुझाते समय फायर ब्रिगेड विभाग का एक सदस्य राजेंद्र कांच लगने से घायल हो गया, जिसको फिर 6 मोहाली के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। 40-48 मिनट से कॉल आई है कि कटाणी स्वीट से बाहर कितने शॉर्ट सर्कट हो गया, फायर टेंडर भेजी जाए। मैं पहले फर्स्ट टर्न आउट भेजी अपने मुंडिया की, जो तो ये आए हैं आके कहते भी धुआं बहुत ज्यादा, सानू कुछ नहीं दिखता। सैकंड टर्न आउट मैं लैके आया तो आ गया, जी अग है 1 घंटे के बीच कंट्रोल कर ली इन्हों की, इनके उत्ते नुकसान हो गया, पर फायर सेफ्टी का कोई किसी तरह का प्रबंध नहीं है। कारण कारण की है कहते सू खुद नहीं पता कारण की हैगा, जिस आए थे हले अपना खोलिया शोरूम तो सू तो उदम पता लगा जो अग लग गई।
चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खनन विभाग की अहम बैठक हुई। बैठक में खनन विभाग के अधिकारी एवं खनन मंत्री हरियाणा नायब सैनी भी मौजूद रहे। बैठक में खनन विभाग से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री नायब सैनी ने बताया कि अन्य जहां जहां खनन का काम शुरू हो सकता है वहां तुरंत खनन शुरू करने का विचार विमर्श हुआ। सैनी ने कहा कि पंचकूले से अंबला एवं यमुनानगर में भी जल्द छोटे छोटे ब्लॉक में खनन को मंजूरी दे दी जाएगी। वहीं अवैध खनन को लेकर नायब सैनी ने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया है कि जहां जहां अवैध खनन चल रहा है उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। सैनी ने कहा कि अवैध खनन वालों पर सरकार सख्त है और आरोपियों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। माइनिंग चले और उसके अंदर जो भी जहाँ जहाँ कोई दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को ठीक करके और माइनिंग सुचारू रूप से चले और लोगों को सस्ते दामों पर रेत और बजरी दिलवाना सरकार की प्राथमिकता है और उसके लिए आज समीक्षा बैठक थी। कहाँ कहाँ जहाँ भी कोई दिक्कतें जैसे माइनिंग लीज होल्डर हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, दिक्कत क्यों आती है उसके लिए बैठ करके समीक्षा बैठक थी। जो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, इलीगल माइनिंग होती है भी वो इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे सरकार के रेवेन्यू को भी लॉस होता है। इलीगल माइनिंग होगी उससे क्योंकि कुछ लोगों को ही लाभ होता है, बाकी सरकार को नुकसान होता है उसका। और उसके अंदर भी कहा है भी ये देख करके सारा इसको चिन्हित करके जो भी इस प्रकार के जहाँ पर इलीगल माइनिंग होती है उसको चिन्हित किया जाए। और सरकार की तो ये सोच है कि जैसे छोटे ब्लॉक बनाए जाए भी, अगर कहीं पर इस प्रकार की दिक्कत आती है और छोटे ब्लॉक बना करके वहाँ पर पारदर्शी तरीके से ई टेंडरिंग करके और वहाँ पर काम चालू किया जाए। अवैध खनन के लिए तो पहले भी सरकार बड़ी सचेत है इस मामले को लेकर के, और अब भी ये बात कही गई है कि जहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार के अंदर नहीं, ऐसा नहीं है, चर्चा तो ऐसे कई बार आती है परंतु उसके ऊपर सारी की सारी समीक्षा वहाँ पर यही की गई है कि जहाँ पर भी इस प्रकार की है भी वहाँ छोटे ब्लॉक बना करके और वहाँ पर माइनिंग सुचारू रूप से चालू हो और इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ता है और लोगों को, जनता को जो हम एक लाभ देना चाहते हैं कि उनको सस्ते दामों के ऊपर रेत और बजरी मिले उसको लेकर के चर्चा हुई है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है क्योंकि पिछले 10 वर्षों से लगातार माइनिंग पूरी तरह से हरियाणा के अंदर बंद थी, माइनिंग चल नहीं रही थी और जो इलीगल माइनिंग जो इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर अवैध रूप से माइनिंग करते थे जो लोग, उनका कारोबार बड़ा फल फूल रहा था, सरकार के रेवेन्यू को लॉस हो रहा था। परंतु आज हरियाणा के अंदर जो सरकार ने छोटे ब्लॉक बना करके माइनिंग को चालू किया है आज लोगों को एक बहुत बड़ी राहत इससे मिली है। आज लोगों को सस्ते दामों के ऊपर रेत और बजरी मिलना शुरू हो गया और जो रेवेन्यू भी इकट्ठा होता है हमारे प्रदेश के अंदर, हमारी सरकार को उसका लाभ होता है। नहीं तो जो पिछले 10 वर्षों तक रेत और बजरी यहाँ माइनिंग बंद पड़ी थी उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ता था। एक तो इलीगल माइनिंग होती थी, दूसरा जो रेवेन्यू होता था वो दूसरे प्रदेशों के अंदर जाता था और महंगे दामों के ऊपर लोगों को रेत और बजरी खरीदना पड़ता था। परंतु आज जहाँ जहाँ पर भी माइनिंग के ब्लॉक्स चालू हुए आज वहाँ पर लोगों को राहत मिली है, सस्ते दामों पर रेत और बजरी मिल गया। हाँ बिल्कुल है, वो उसके ऊपर भी ये बातचीत हुई है भी जहाँ पर इस प्रकार के ब्लॉक्स हैं जहाँ पर और हम चालू कर सकते हैं, कुछ पाइपलाइन के अंदर हैं ब्लॉक्स वहाँ सीकर चालू होने वाले हैं, किसी कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए अभी पड़ा है, किसी की अभी ई टेंडरिंग होनी बाकी है, कुछ की अभी समीक्षा हो रही है कि यहाँ पर ये ब्लॉक चालू हो सकता है। और उसके अंदर भी इस बात को लेकर के समीक्षा की गई है कि जहाँ पर जैसे कोई माइनिंग लीज होल्डर है और उसको जो एरिया माइनिंग लीज के लिए मिलता है तो वहाँ पर भी कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं कि वो बोलता है जब उसके पास माइनिंग लीज छूट जाती है, अभी मेरे पास तो माइनिंग के लिए इतना एरिया है और बाकी वहाँ पर माइनिंग लीज एरिया नहीं है, उसके लिए भी उसके अंदर सुधार हो ताकि जो एक्चुअल में माइनिंग लीज एरिया है और उसको कल इस प्रकार की दिक्कतें ना। इलीगल माइनिंग होती है भी वो इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि इससे सरकार के रेवेन्यू को भी लॉस होता है। इलीगल माइनिंग होगी उससे क्योंकि कुछ लोगों को ही लाभ होता है, बाकी सरकार को नुकसान होता है उसका। और उसके अंदर भी कहा है भी ये देख करके सारा इसको चिन्हित करके जो भी इस प्रकार के जहां पर इलीगल माइनिंग होती है उसको चिन्हित किया जाए। और सरकार की तो ये सोच है कि जैसे छोटे ब्लॉक बनाए जाए, अगर कहीं पर इस प्रकार की दिक्कत आती है और छोटे ब्लॉक बना करके वहाँ पर पारदर्शी तरीके से ई टेंडरिंग करके और वहाँ पर काम चालू किया जाए। हरियाणा में पिछले समय से लंबा संघर्ष करने वाले हरियाणा कंप्यूटर टीचर्स का 31 मई को अनुबंधन समाप्त हो चुका है। इससे पहले कंप्यूटर टीचर्स हाईकोर्ट में भी याचिका लगा चुके हैं। कंप्यूटर टीचरों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार के कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियों पर स्टे लगा दिया है। कंप्यूटर टीचर्स फिलहाल अनुबंधन समापन होने के चलते फिलहाल बाहर हैं। कंप्यूटर टीचरों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, मगर शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी उन्हें और सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कंप्यूटर टीचर्स ने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो 27 मई को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी जाएगी। कंप्यूटर टीचर्स की मांग है कि सरकार या तो रेगुलर भर्ती निकाले, अन्यथा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां निकालने की बजाय उनका अनुबंधन बढ़ा दिया जाए। कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन के प्रधान बलराज धीमान ने कहा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने से पहले सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां निकाली, जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में इसको चुनौती भी दे दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने भर्ती पर स्टे लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। बलराम ने कहा कि अगर सरकार भर्तियां करना चाहती है तो रेगुलर भर्तियां निकाली जाए, अगर अनुबंधन पर कंप्यूटर टीचरों को रखना है तो उनका ही अनुबंधन बढ़ाया जाए क्योंकि वो योग्यता पूरी कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सरकार और टीचर्स को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर ही शिक्षा मंत्री से मिलने का समय मांगा था, मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बलराम ने कहा कि इस बीच वे लगातार सरकार से संपर्क करने का प्लान करेंगे, अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो 27 जून को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। जी, हम शिक्षा मंत्री के ऑफिस में कल कॉल की थी और पूछा था कि उनको कि हमें शिक्षा मंत्री जी से मिलना है, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं, हमें कुछ समय दें। तो उनका कहना था कि वो 9-10 बजे तक वो अपने जो है निवास स्थान चंडीगढ़ में मिल लेते हैं पब्लिक मीटिंग में सभी को। तो हम 9 बजे मिलने के लिए उनसे आए थे, लेकिन पता चला कि वो आज सुबह जल्दी ही जो है वो दिल्ली के लिए किसी मीटिंग के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इसके लिए हम आगे मीटिंग की कोशिश कर रहे हैं, आगे फिर हम मीटिंग का दौर जो है वो जारी रखेंगे उनके साथ। हम निकाल दिया गया है सभी जो टीचर बाहर तक, तो अब क्या डिमांड है? जी देखिए, डिमांड तो हमारी एक ही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, अगर सरकार चाहे तो रेगुलर भर्ती करे। हम रेगुलर में आवेदन करने को तैयार हैं, हम भी रेगुलर में आवेदन करेंगे, पर लेकिन सरकार अगर भर्ती ही कॉन्ट्रैक्ट की निकालेगी तो वो कानून के खिलाफ है। और माननीय हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को बदल के दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी तब तक नहीं लेके आ जा सकता तब तक रेगुलर भर्ती ना हो। तो हम सरकार से बार बार एक ही अपील करते हैं कि रेगुलर भर्ती वो करें, लेकिन जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो बार बार हम लोगों को और सरकार को गुमराह करने में लगे हुए हैं, और वो रेगुलर भर्ती करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती उन्होंने निकाली है। तो मार्च में डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती निकाली थी, हम लोगों ने उसके खिलाफ याचिका दायर की है हाई कोर्ट में, और माननीय हाई कोर्ट ने 24 मई 2016 को उस भर्ती पर स्टे लगाते हुए कहा है। और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के पीके दास जी, उनसे एफिडेविट मांगा है कि एफिडेविट आप 5 जुलाई को लेके आओ, हमारी अगली जो हियरिंग है वो 5 जुलाई को। हरियाणा ज्वाइंट कमीशन कमेटी पावर ने पंचकुले में पत्रकार वार्ता कर पूरे हरियाणा में 29 और 30 जून के प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी पावर ने कहा कि सरकार एस्मा जैसा काला कानून लाकर उनकी 2 दिवसीय हड़ताल को रोक नहीं सकती। हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी पावर के दोनों प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निजीकरण, कर्मचारियों की भर्ती, समान काम समान वेतन, नए थर्मल प्लांट लगने, 1995 की रोजगार नीति बहाल करने और अन्य मांगों को लेकर पूरे देश के बिजली कर्मचारी धरने पर रहेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आंतरिक तरीके से धरने प्रदर्शन करने का कर्मचारी को पब्लिक को हक है। जब हमें पता चला 23 निजी हाथों में सरकार देने जा रही है मैनेजमेंट, तो हमने पहले डीसी को ज्ञापन दिए, उसके बाद हमने मास्क ली एक दिन की, लेकिन सरकार ने नाक का सवाल बनाते हैं। उसके बाद हमारे कुछ कच्चे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया,
कुछ पक्के कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, कुछ को ट्रांसफर कर दिया। तो हमने मुख्यमंत्री जी के पे पिछले महीने मीटिंग थी मार्च में, सारी बात डिटेल से बताई। आज जो हरियाणा प्रदेश में स्थिति है कर्मचारी की बिजली बोर्ड में, हमारे जहां पे 400 आदमी होने चाहिए वहां 30 आदमी काम कर रहे हैं। होशियारपुर में हाईवे के लिए हुए जमीन घोटाले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी होशियारपुर की तरफ से एसडीएम परिसर में रोष प्रदर्शन और धरना दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, कांग्रेसी नेताओं को संबोधित किया गया, पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल और मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया का पुतला फूंका गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री संतोष चौधरी ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर जमीनी घोटाला करने वालों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई करने के लिए वे भूख हड़ताल तक पर बैठेंगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पवन विधायक सुंदर श्याम अरोड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि अकाली नेताओं ने शातिर दिमाग से गरीब किसानों की जमीन कम रेटों में लेकर लाखों में बेचने पर अभी तक अकाली भाजपा सरकार के मंत्री मुंह बंद कर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी उनका बनता हिस्सा मिल गया, इसलिए वे चुप हैं। पर कांग्रेस पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक इस घोटाले का पर्दाफाश नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार आने पर सभी घोटाले करने वालों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। इस रूस में जिहड़ा होशियारपुर 100 करोड़ की धांधली हुई है, असी समझते हैं एक बहुत बड़ा धोखा आ, और ये जिहड़ा अफसर की मिली भगत आ और लीडर की मिली भगत, असी ये भी मंग करते हैं कि जेडे उन्होंने चैक दिए गए हैं और वो चैक जिहड़े अकाउंट गए हैं वो अकाउंट सील होने चाहिए हैं, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। जिहड़े लोगों की जमीन हथियाई गई है उन्होंने जमीन वापस होनी चाहिए है। सरासर एक बेइंसाफी है, क्योंकि उत्थे दा ना तो कोई रेट आ, उस चो दा 7 लाख रुपया 30 हज़ार रुपया 35 हज़ार रुपया मरला लै के जमीन रातों रात एक होशियारपुर दे विच बहुत वड्डी ठगी हुई है। लैंड माफिया दे विच आ, अफसरशाही विच आ इहदे, और जे अगर ये ना इन्होंने साडी सुनी इंसाफ लोगों नूं ना दिता तो फिर असी जिहड़ा हैगा कोर्ट विच भी जावांगे और लोगों के नाल खड़े रहांगे। जब तक लोगों नूं इंसाफ नहीं मिलता, कांग्रेस पूरी तरह लोगों के नाल खड़ी आ, उस गरीब किसानों के नाल जिन्होंने अपनी जमीन ठगी गई है, जिन्हों की जमीन धोखे के नाल जिन्हों की रजिस्ट्री हुई है,